बड़ा मनाया जाएगा क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 13 साल तक मुख्यमंत्री और फिर 7 साल से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। और क्योंकि 7 अक्टूबर को उनके 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं इसे ये पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। अब मैं पार्टी के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पखवाड़े में इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर मंच मोर्चे को कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिला है और उसी क्रम में आज सहकारिता मंच के द्वारा सहकार से समृद्धि ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, जैसा भाई सुभाष जी ने आपको बताया कि बिहार के अंदर एक समय में कॉपर्टी मूवमेंट बहुत मजबूत कॉपर्टी मूवमेंट था, लेकिन कांग्रेस के राज में भयंकर भ्रष्टाचार में पूरा कॉपर्टी मूवमेंट लिप्त हो गया, सैकड़ों लोग जेल गए। जैसे आज चारा घोटाला हुआ था उसी प्रकार कांग्रेस के राज में कॉपर्टी घोटाला हुआ और उसका परिणाम यह हो गया कि जो बिहार का सहकारिता आंदोलन था वो पूरी तरह से छिन्न विच्छिन्न हो गया। आप लालू जी का जो 15 साल का राज था उन्होंने भी उसको पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं 90 से विधायक हूँ, विधायक रहा, लेकिन मुझे नहीं मानता कि फैक्ट्स क्या होता है। जब 2005 में हम लोगों की सरकार बनी तो मैं पहली बार जाना कि फैक्ट्स क्या होता है। कभी पैक्स का चुनाव नहीं होता था और 2005 में एनडी की सरकार बनने के बाद हम लोग हर एक पंचायत में एक पैक्स और फिर पैक्स का हर 5 साल पर चुनाव, अभी तक 3 बार चुनाव हो चुके और हर पंचायत के समतुल्य यानी बिहार में करीब 8,500 पंचायत है और पैक्स भी लगभग 8,463 पैक्स बिहार में काम कर रहे हैं।